व्हाट्सएप गाइस, सूरत में लोगों के भेल के प्रति इतनी दीवानगी मुझे ये शॉप पर देखने को मिल रही है। सो रश एट दिस प्लेस, भीड़ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जरूर कोई अतरंगी भेल मिल रही होगी। ट्राई करना तो बनता है, सो लेट्स ट्राई। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये बेल कैसे बनाई जाती है। जैसे कि ये पेपर लिया और मुंद्रा के ऊपर सिंगदाना, सेव, सेवड़ा, तीखा दाना, मसाला, लेमन। ये चटनी कैसी रहेगी? ग्रीन चटनी, तीखी रहेगी या मीडियम रहेगी? मीडियम देखिए। ओके, और ये मीठी चटनी। अच्छे से मिक्स करके, आपको स्पाइसी खाना हो तो स्पाइसी के लिए ग्रीन चटनी ज्यादा डलवानी। और ये हो गया सेव और ऊपर धनिया, धनिया नहीं लहसुन। और एक्स्ट्रा ग्रीन चटनी और ऊपर मसाला डाल के सर्व कर। और प्राइस क्या रहती है बेल की? प्राइस 20 रुपए से चालू है, 30-50 से स्टार्ट होता है। भैया आप बिजनेस कितने सालों से कर रहे हैं? भाई हमारा कर रहा था 35 साल से। बड़ा भाई, बड़ा भाई है, टका भाई मैं नहीं है, बड़े भाई है हमारे। और टाइमिंग्स क्या रहता है शॉप का? 5 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे तक शाम 5 बजे से रात को 12 बजे। ओके, और आपकी कोई ब्रांचेस है यहाँ पे? मुतावराचा सुदामा चौक। मुतावराचा सुदामा चौक। और ये एरिया लोकेशन कौन सा पड़ेगा आपका? बराचा रोड, सवानी, गीतांजलि पेट्रोल पंप। यहाँ कितने प्रकार की बेल की वैरायटीज मिलेगी? हमारे मोमरा कोलेजन से मोमरा बस। अरे वाह, तो यहाँ पे ना इसमें सिंगदाना, मसालेदार, लेमन और सब चटनी, ग्रीन चटनी का जो टेस्ट है बहुत टेस्टी और स्वीट और स्पाइसी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी।